हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारा हर नया वीडियो मिलता रहे और आपको जानकारी घर बैठे हासिल हो जाए। जैसा कि हमारा टॉपिक है, आप 90% प्लस मार्क्स लाइए वो भी घर बैठे। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में और इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। और हमने आपको सैलरी के बारे में इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि सैलरी क्या होता है, किस तरह का सैलरी जो है इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक में टैक्सेबल होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अलाउंस। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी को बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो अलाउंस को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, तीसरा होता है टैक्स फ्री अलाउंस। तो अब कौन सा अलाउंस, पहले हम आपको अलाउंस क्या होता है इसका मीनिंग समझाने का प्रयास करते हैं। एक होता है अलाउंस, एक होता है परक्विसाइट्स, सुविधा हिंदी में बोलते हैं। तो अलाउंस का मीनिंग होता है जो आपको नगद मिलता है, और परक्विसाइट्स का मतलब होता है सुविधा आपको नगद नहीं बल्कि आपको बदले में वह वस्तु उपलब्ध करा दी गई हो। एग्जाम्पल के लिए यदि आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो यदि आप बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़े या ना पड़े सरकार आपको चिकित्सा भत्ता देती है, मतलब आप जो है इलाज के लिए जो है सरकार आपको पेमेंट करती है। लेकिन जिस तरह से डिफेंस में क्या होता है, रक्षा सेवा में क्या होता है, डिफेंस सेक्टर में सरकार उनको चिकित्सा मेडिकल अलाउंस नहीं देती है, हॉस्पिटल दे देती है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं ना तो आप रुपया मत लीजिए हमसे, हमने आपके लिए हॉस्पिटल बना दिया है, आप अपने जाके वहां पर इलाज करवा लीजिए। तो ये जो हॉस्पिटल की सुविधा है इसको बोलते हैं परक्विसाइट्स। और अलाउंस जो आपको नगद मिलता है, यदि जैसे कि शिक्षक सबको आप ले लीजिए, जितने भी स्कूल टीचर होते हैं और भी बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी होते हैं, अब बैंक का अपना कोई हॉस्पिटल नहीं होता है तो बैंक के कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता मिलता है। यदि वो बीमार पड़ गया तो उसके इलाज के लिए जो है ना उसको क्या मिलेगा, चिकित्सा भत्ता मिलेगा। इसी तरह से भत्ता का मतलब होता है जो कि आपको नगद रूप में प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। और सुविधा का मतलब क्या हो गया, जो आपको नगद नहीं मिलता है बल्कि वह वस्तु उपलब्ध करा दी जाती है। जिसे आपको घर से ऑफिस आने जाने के लिए, यदि आप मान लो थोड़ा देर के लिए आप SP है, DM है, बड़े स्तर के अधिकारी हैं, तो आपको जो है ना यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, आपको जो है ना कार मिलेगी, मोटर गाड़ी की सुविधा मिलेगी। आपको सरकार ने गाड़ी दे दिया है ऑफिस आने जाने के लिए तो वो गाड़ी की सुविधा कहलाएगी। यदि एक कर्मचारी ऐसा भी है जिसको आने जाने में तकलीफ होती है, सरकार उसके लिए गाड़ी नहीं दे रही है बट उसको आने जाने का पैसा दे रही है, तो जो नगद रकम मिलता है ना वो भत्ता कहलाता है, अलाउंस कहलाता है। तो अभी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, कौन कौन सा अलाउंस टैक्सेबल है। तो सबसे पहला है महंगाई भत्ता तथा महंगाई वेतन। तो कर्मचारी को जो है महंगाई जिस तरह से बढ़ती जाती है ना, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ उनका जो महंगाई भत्ता है ना वह भी बढ़ता है। मतलब इसकी क्षति की एक तरह से आप बोल सकते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करने के लिए जो उनको अलाउंस मिलता है वो महंगाई भत्ता कहलाता है। और महंगाई भत्ते की पूरी राशि क्या होती है, वो कर योग्य होती है। स्पष्ट है, यदि वेतन शीर्षक में जो है ना सैलरी दिया हुआ है, सैलरी के साथ DA उसको बोलते हैं इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, यदि महंगाई भत्ता भी दिया गया है तो महंगाई भत्ता की पूरी राशि क्या होगी, टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल का मतलब है कि वह महंगाई भत्ता आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं टैक्सेबल। ठीक है, तो आगे है, एक होता है महंगाई वेतन। तो महंगाई वेतन क्या होता है, कहा गया है कि जब महंगाई भत्ते के किसी भाग को या संपूर्ण राशि को महंगाई वेतन में जो है ना कन्वर्शन कर दिया जाए तो वह जो है ना मूल वेतन का भाग बन जाता है। तो इसकी भी पूरी पूरी राशि करयोग होती है। तो आगे लिखा होता है महंगाई वेतन सेवा शर्त के अधीन, जब ऐसा लिखा हुआ रहे कि महंगाई भत्ता जो है सेवा शर्त की क्या है, अधीन है, अनुसार है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में अंडर टर्म, या फिर अवकाश संबंधी गणनाओं के लिए जो है ना वेतन में शामिल कर लिया जाता है,
तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मकान किराए की भत्ते की कर मुक्त राशि, चलिए मकान किराया भत्ता हम लोग बाद में पढ़ेंगे हम, तो अभी थोड़ा देर के लिए इसको जो है छोड़ते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे एचआरए हाउस रेंट अलाउंस तब हम आपको समझाएंगे कि महंगाई वेतन महंगाई भत्ता में क्या अंतर है, महंगाई भत्ता सेवा शर्त के अनुसार होना चाहिए इसका क्या मीनिंग होता है। फिर हम आपको बताने वाले हैं महंगाई भत्ता अवकाश संबंधी गणना के लिए शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, एक होता है सीसीए कम सीटी कंपनसेशन अलाउंस इसको बोलते हैं। तो ये सीसीए क्या होता है, एग्जांपल के लिए आपका जॉब कटिहार में है, दिल्ली में है, पटना में है, कोलकाता में है, तो अच्छा शहर है, तो लेकिन शहर बढ़ने के साथ यदि आपका जॉब पटना में है ना, आप पटना में जॉब कर रहे हैं, तो यदि आपका खर्चा मान लो सपोज दैट 5,000 रुपया में आपका मेंटेनेंस हो जाता है और पटना से आपका जो है ना पोस्टिंग दिल्ली हो जाए, तो क्या लग रहा है आपको कि कल तक आप 5,000 रुपया में जो है ना काम चला रहे थे, मेंटेनेंस खर्चा आपका हो रहा था, तो क्या दिल्ली जाने से दिल्ली में जो आप रहेंगे तो क्या 5,000 रुपये में आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि पटना के रेशियो में जो है ना दिल्ली का जो रूम का रेंट है वो अधिक होगा। आप जो सामान परचेज करते हैं पटना में, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, इसके साथ साथ जो है ना जो आप पानी पीते हैं, तो हर वस्तु जो है ना दिल्ली में पटना के हिसाब से महंगा होगा। तो इसको बोलते हैं महंगाई जो है ना ऑटोमेटिक, जैसे शहर बड़ा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस आपका नौकरी तो सेम है, आपका नौकरी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन आपका पोस्टिंग हो गया है, जगह आपका बदल गया है, तो एट दिस कंडीशन, तो इस जगह चेंज होने से, स्थान परिवर्तन होने से जो आपको नुकसान हुआ है ना, उसके लिए आपको अलावेंस मिलता है, उसको बोलते हैं सिटी कंपनसेशन अलावेंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता। मतलब इस तरह जो है ना आपका स्थान चेंज हो गया, आपका जो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसकी भरपाई के लिए आपको भत्ते की रकम मिलेगी, इस भत्ते की पूरी राशि कर योग्य होती है, स्पष्ट है। आगे हम बात करेंगे, एक होता है नौकर भत्ता, टिफिन भत्ता। अब ये टिफिन भत्ता क्या होता है, तो ये जो है ना कर्मचारियों को भोजन और नाश्ते के लिए दिया जाता है टिफिन भत्ता। तो टिफिन भत्ता के बारे में कहा गया है कि इसकी पूरी पूरी राशि टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल का मतलब है कि वह रकम आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आगे है पर्वतीय भत्ता। ये पर्वतीय भत्ता क्या होता है, तो कहने का मतलब है पर्वतीय भत्ता का मतलब है कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि यदि आपका जॉब किसी प्लेन एरिया में है, जैसे बिहार एक तरह से प्लेन एरिया माना जाता है, लेकिन अदर स्टेट आप जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, आसाम, असम का कुछ भाग प्लेन एरिया होता है, बाकी पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह के स्टेट में ना, कश्मीर जाएंगे आप, जहां पर खाली पहाड़ी पहाड़ है, बर्फ गिरता है, तो इस तरह के स्टेट में ना आपको रहने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मार्केट नजदीक नहीं होता है, जहां आपका रेसिडेंस है ना वहां से ऑफिस जाने आने में कठिनाई होती है, वहां पर कोई आदमी जॉब करना नहीं चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करती है, उसको पर्वतीय भत्ता देती है। तो इस भत्ते की पूरी पूरी राशि क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ठीक है ना। आगे है नौकर भत्ता। नौकर भत्ता का मतलब है जैसे कि एक सामान्य कर्मचारी होता है और एक विशेष मतलब अधिकारी होता है, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, और भी बड़े जज हो गया, तो इन सबको जो है ना यदि रूम अलॉट होता है, रूम का आवंटन मिलता होता है ना, तो रूम के साथ नौकर भी मिलता है, वार्डन मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या वो ये वॉचमैन मिलता है, और भी बहुत तरह की इनको सुविधाएं मिलती है। एग्जाम्पल के लिए रूम, यदि इनको रूम मिला है तो रूम के साथ बागवानी मिलेगा, उसमें जो है नौकर मिलेगा उसको पानी पटाने के लिए, इसके बाद जो है दरबान मिलेगा, बंदूक लेके खड़ा रहेगा। तो इन सब का जो सैलरी है ना, ये जो उनको आप देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये सब पूरी सुविधा दे रही है सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनको सैलरी पे होता है ना, वो सारा का सैलरी जो है ना कुछ हद तक मतलब वो जो भत्ता उसको मिल रहा है सुरक्षा के नाम पर, प्लस उसके अंदर में टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, पूरी पूरी राशि क्या होती है, टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल का मतलब उस भत्ते की सारी रकम उसके इनकम में जोड़ दिया जाता है। आई एक होता है
प्रैक्टिस न करने का होता। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो सरकार क्या करती है, डॉक्टर को प्रैक्टिस नहीं करने के लिए ना अलाउंस देती है कि आप जो है ना एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिस मत कीजिए प्लीज। आप जो है ना यदि आप डॉक्टर है ना तो सिर्फ आप पेशेंट का देखभाल कीजिए, आप प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जो पेशेंट है उसका सही से देखभाल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से अलाउंस मिलता है। तो ये अलग बात है कि डॉक्टर जो है ना प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोल लेता है, लेकिन उसको अलग से अलाउंस मिलता है कि आप प्रैक्टिस मत कीजिए, तो यह अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। एट दैट क्लियर। यदि आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक, हालांकि मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं बेहिचक, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आगे कहा गया है और भी बहुत तरह के भत्ते होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा अलाउंस के बारे में कि महंगाई भत्ता क्या होता है, सीसीए सीटी कंपनसेशन अलाउंस, वार्डन भत्ता, वॉचमैन, नगर क्षतिपूरक भत्ता, लंच अलाउंस, ये टिफिन भत्ता, ये सब क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो ठीक, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे हम लोग या फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग पार्टली टैक्सेबल अलाउंस क्या होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड को जो है ना शेयर भी करेंगे।